एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम बनाते हैं पनीर का न्यू डिश, जिसके लिए हमें चाहिए पनीर। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डालूँगी, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर मैंने डाला है। अब सबको क्या करूँगी, अच्छे से मिक्स करना है, जितना भी चीज़ है वो पनीर में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए थोड़ा सूखा ड्राई टाइप का लग रहा है, तो क्या करना है, यहाँ पे हमें 1 टीस्पून वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये जितना भी चीज है पनीर में अच्छे से लग जाए। देखिए यहाँ पे हो गया। अब एक पैन लेना है हमें, थोड़ा सा हमें ऑयल डालना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो एक एक करके हमें क्या डालना है, पनीर डालना है। और ये पनीर को एक साथ नहीं डालना है, अलग अलग एक एक पीस उठा उठा के डालना है, सेपरेट सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट। डालने से ये होता है कि वो अच्छे से फ्राई भी होता है और एक में चिपकता भी नहीं है। देखिए इसे क्या करना है, शैलो फ्राई करना है, ज़्यादा भी डीप फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डीप फ्राई करते हैं तो पनीर क्या होगा, हमारा हार्ड हो जाएगा, इसीलिए हम शैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए कलर इसका कितना खूबसूरत आया है, बिल्कुल गोल्डन कलर। अब इसे हम क्या करेंगे, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। देख सकते हैं आप लोग, कलर अच्छा आ गया है बिल्कुल। एक बोल लेते हैं जिसमें मैंने पानी लिया है, और इसमें मैंने 1 टीस्पून सोया सॉस डाला है, 1 टीस्पून मैंने टमाटो सॉस, 1 टीस्पून मैंने चिली सॉस, दोनों को एक साथ मैं मिक्स कर ली हूँ इस वाटर में। अब यहाँ पे 1 टीस्पून क्या करूँगी, मैं कॉर्नफ्लावर डालूंगी, इसी वाटर में ऐड करना है। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलिए अब हम लेते हैं पैन लेंगे हम, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, मैंने यहाँ पे गार्लिक डाला है और जिंजर डाला है, यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली डाला है। अब ये सब सबको अच्छे से ऑयल में फ्राई करूँगी 1 से 2 मिनट तक के। देखिए फ्राई हो गया, तो मैंने रफली अनियन काटा था, अब इसे भी मैं इसी पैन में डाल दूंगी। अब इसे भी क्या करना है, हमें 1 से 2 मिनट तक के फ्राई करना है। ये देखिए फ्राई हो चुका है, तब हम इसमें क्या डालेंगे, 1/2 टीस्पून फिर से हमें क्या डालना है, ब्लैक पेपर डालना है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डालना है, इसे भी अच्छा से मिक्स करना है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें जो वाटर मैंने बनाया था वो इस सारे पैन में डाल देना है। अब इसे भी 1 से 2 मिनट सिर्फ इसे थिक होने देना है, जो ग्रेवी है थोड़ा थिक हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या करना, वो जो पनीर फ्राई किया है इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे भी 2 से 3 मिनट सिर्फ हमें चलाना है, ये सारा अब्सॉर्ब कर जाए पनीर ग्रेवी को, तब हमें क्या कर देना है, गैस को बंद कर देना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है हमारा ये। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया हो हमारा डिश। फिर मिलते हैं एक न्यू डिश के साथ। बाय बाय।